इंडियन नेशनल लोकदल ने कुल 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इनेलो के 26 नामों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। शिरोमणि अकाली दल की ओर से कहा गया है कि अब अकाली दल अपने नए साथी इनेलो के साथ ही चुनाव लड़ेगी। इनेलो अकाली फिर साथ साथ, कालावाली और रतिया सीट पर बनी बात, दो सीटों पर लड़ेंगे एक साथ चुनाव। इनेलो को कितनी मिलेगी मजबूती? क्या काली को मजबूरी में करना पड़ा समझौता? हरियाणा में अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो गया है। सीटों के बंटवारे का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है। अकाली दल की ओर से बताया गया है कि सिरसा के कलावली विधानसभा क्षेत्र और फतेहाबाद के रतिया से अकाली दल के उम्मीदवार आज अपना नामांकन भरेंगे। सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा आज होने की संभावना है। राज्य में अकाली दल का एकमात्र विधायक कलावाली से विधायक बलकौर सिंह थे, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण अकाली दल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने हरियाणा में अपने एकमात्र विधायक को बीजेपी में शामिल करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी ने अनैतिक और दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। इनेलो का हाल ही में कई पार्टियों से गठबंधन होकर टूट चुका है। अब देखना होगा कि इनेलो और अकाली दल का ये गठबंधन कितना सफल होता है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।